वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट जब हम लोग पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें जो हम लोग को मेन थ्योरीज पढ़नी है वो हम लोगों की जानी पहचानी मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई है। जैसे B.F. स्किनर, इनको हम लोग पढ़ चुके हैं। हमारी थ्योरी आपको मिलेगी वाइगोट्स्की की, उनके बारे में आप लोग जानते हैं, और मिलेगी पियाजे की। तो ये तीनों को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। वाइगोट्स्की के बारे में हम कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है, जानते हैं, पियाजे को जानते हैं और स्किनर को तो बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन एक जो इसमें थ्योरी हमको मिलेगी नोम चोम्स्की, ये थ्योरी जो है वो पहली बार हम पढ़ने जा रहे हैं। मतलब इनका नाम हम पहली बार सुन रहे हैं। हमने नोम चोम्स्की को इसके पहले साइकोलॉजी में, जनरली एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। इनका नाम लैंग्वेज डेवलपमेंट में ही आता है। तो BA में आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट कोर्स में नहीं था, ये MA में आया है। और BA में कहीं ना कहीं आपने BF स्किनर को पढ़ा है क्योंकि आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग, लर्निंग थ्योरीज पढ़ी हैं। आपने पियाजे को जाना है क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इनका हिस्सा थोड़ा सा है BA में। और वहीं पे हम वाइगोट्स्की को भी जान लेते हैं। तो नोम चोम्स्की हमारे लिए नए हैं। तो हम देखें कि कैसे भाषा का विकास के लिए, देखिए BF स्किनर बिहेवियरिस्ट हैं, रहे हैं, है ना, व्यवहारवादी। इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग को दिया है तो ऑपरेंट कंडीशनिंग के हिसाब आप से ही इन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बताया है। उसी तरह से जीन पियाजे, जिया पियाजे, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, वहां पे भी वो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की बात करते हैं, स्कीमा की बात करते हैं। तो वही बात लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी है। उसी तरह से वाइगोट्स्की, जिनका सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट या जिस प्रकार के भी विकास में वो ZPD की महत्ता बताते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी वही बताते हैं। तो उसमें कोई नई बात नहीं है हमारे जानने के लिए। हमको के लिए सबसे स्पेसिफिकली यहाँ नोम चोम्स्की ही है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न इस तरह से पूछ सकते हैं, या तो कि थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट डिस्कस कीजिए, यानी कि भाषा के विकास के सिद्धांतों पर विवेचना कीजिए, सिद्धांतों की चर्चा कीजिए, तो आपको स्किनर, चोम्स्की, पियाजे, वाइगोट्स्की सबके बारे में बताना है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि भाषा विकास के किसी एक सिद्धांत का डिस्कशन कीजिए, वर्णन कीजिए, तो आप नोम चोम्स्की को चुन सकते हैं क्योंकि उनके बारे में वो बाकी अलग है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। तो स्पेसिफिकली अगर एक थ्योरी पूछी जा रही तो आप नोम चोम्स्की बताइए क्योंकि उन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट के अलावा किसी और थ्योरी पे, किसी और डेवलपमेंट पे बात नहीं की है। लेकिन अगर थ्योरीज पूछते हैं तो आपको सब बताना पड़ेगा, इसलिए हम लोग सारे के बारे में बात करेंगे। तो BF स्किनर क्या कह रहे हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, कि BF स्किनर बिलीव चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्योंकि ऑपरेंट कंडीशनिंग का ही उनका कंसेप्ट है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या कहते हैं, वो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी से किस प्रकार अलग है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी या क्लासिकल कंडीशनिंग कहती है कि पहले हम व्यक्ति को स्टिमुलस देते हैं, इंडिविजुअल को स्टिमुलस देते हैं, और फिर उसके लिए वो रेस्पॉन्स करता है। तो जो वो स्टिमुलस के बाद रेस्पॉन्स करता है वो क्लासिकल कंडीशनिंग है, ये कनेक्शन SR। लेकिन BF स्किनर थोड़ा उनसे आगे बढ़े, थोड़ा उनसे एडवांस मोड में गए और उन्होंने कहा नहीं, इंडिविजुअल इतना आसान नहीं है, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना इजी गोइंग नहीं है कि बस वो चुपचाप बैठा है और जब आप उसको स्टिमुलस देंगे तभी वो रिएक्शन करेगा, रिस्पॉन्स देगा। वो कह रहे नहीं, हम रिएक्शंस करते रहते हैं, रिस्पॉन्स देते रहते हैं, जिस रिस्पॉन्स के बाद हमको बढ़िया उसका रिवॉर्ड, मतलब उसका जो फीडबैक है, जो फीडबैक जिस हिसाब से मिलता है उस हिसाब से हम सीख जाते हैं कि वो रिस्पॉन्स स्ट्रेंथन होगा या वो रिस्पॉन्स वीकन होगा। यानी कि अगर हमको फीडबैक बढ़िया मिलता है तो हम उस व्यवहार को सीखते हैं, फीडबैक हमको खराब मिलता है तो उस व्यवहार को नहीं करने की दशा में जाते हैं। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है, यानी कि यहाँ पे ऑपरेशनल है कौन, इंडिविजुअल। तो वही बात ये भाषा के विकास में भी कह रहे हैं कि चिल्ड्रेन रिसीव रिवॉर्ड्स फॉर यूजिंग लैंग्वेज इन ए फंक्शनल मैनर, कि जिस चीज को बोलने पर हमको अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, बालक, छात्र, स्टूडेंट, इंडिविजुअल, वो भाषा सीखता है। चिल्ड्रेन रिसीव रिवॉर्ड्स, अगर उसको इनाम मिलता है तो वो उसको फंक्शनल मैनर में बात करना सीख जाता है। जैसे कि बच्चे ने बहुत अच्छा गाना गाया, या कोई बहुत छोटे से बच्चे ने पहली बार माँ बोला, या कोई ऐसा शब्द बोला तो हम लोग उसको दुलराते हैं ना, इनाम देते, कह रहे अरे वाह बहुत अच्छा बोला तुमने, तो वो सीख जाता है कि ये जो भाषा का उसने इस्तेमाल किया है वो अच्छा है, उसका फीडबैक अच्छा, इनाम मिल रहा है, तो वो उसको सीखता है। तो ये थेरी वही ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इन्होंने इसको लैंग्वेज डेवलपमेंट पे टिल कर दिया है। इसी तरह से बाकी भी देख ले, फिर नोम चोम्स्की पे आते हैं। उसी तरह से जीन पियाजे, सॉरी जिया पियाजे, जब बात करते हैं
कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तब भी वो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की बात करते हैं कि हमारा जो प्रीवियस स्ट्रक्चर मेंटल स्कीमा होता है दिमाग में, वो अगर हमको उससे मिलता जुलता मिल जाता है कंसेप्ट, तो हमारा उसमें एसिमिलेशन यानी कि वो जुड़ता जाता है। लेकिन अगर हमारा पिछले स्कीमा से नया वाला जो कंसेप्ट है थोड़ा बहुत डिफर करता है, तो हम पुराने मेंटल स्ट्रक्चर में एकोमोडेशन करते हैं, मतलब सामंजस्य स्थापित करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को इधर उधर बैलेंस करते हैं कि हमारा जो न्यू नॉलेज है वो प्रीवियस नॉलेज से फिक्स हो जाए। तो ये बात उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी चल रही थी और लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी चल रही। यही कह रहे हैं कि थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट सजेस्ट दैट चिल्ड्रन यूज बोथ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन टू लर्न लैंग्वेज। उसी तरह से वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट फोकस्ड ऑन सोशल लर्निंग एंड द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इनका जो ZPD का कंसेप्ट है वो कहता है कि बालक अगर उनके समकक्ष, उनके साथ कोई मोर नॉलेजेबल, उनसे ज्यादा ज्ञान रखने वाला कोई उनका पीयर ग्रुप का भी मेंबर हो सकता है, या जनरली उनका टीचर या पेरेंट या गार्जियन जो भी हो, तो उसकी प्रेजेंस में वो बढ़िया सीखते हैं। इसी क्योंकि सोशल आ जाता है इनका, कॉग्निशन के साथ साथ सोशल इनपुट को इन्होंने बहुत ज्यादा महत्ता दी है, तो जो उनकी सोशल लर्निंग है वही वो लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी लागू कर रहे हैं। लेकिन अब ये नोम चोम्स्की जी क्या कह रहे हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, ये कह रहे हैं कि दिस थ्योरी स्टेट्स दैट चिल्ड्रन हैव द इननेट बायोलॉजिकल एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज। ये बोल रहे हैं कि बच्चों में, बालकों में भाषा सीखने के लिए बायोलॉजिकल एबिलिटी मतलब उनकी जैविक ये योग्यता होती है, इननेट होती है, मतलब उसको लेकर वो इस दुनिया में आते हैं, अंतर्निहित शक्ति उनके पास ऐसी जैविक क्षमता होती है जिससे वो भाषा सीख सकते हैं। हाउएवर हिज थ्योरी हैज नॉट बीन सपोर्टेड बाई जेनेटिक और न्यूरोलॉजिकल स्टडीज। लेकिन कोई आनुवंशिकी की इस तरीके का अध्ययन नहीं हुआ है, कोई न्यूरोलॉजिकल इस तरीके की रिसर्च नहीं हुई है जो नोम चोम्स्की की थ्योरी को बल दे सके या सपोर्ट कर सके या प्रूव कर सके। लेकिन उनका ये मानना है, एजम्पशन है, इस तरह से मान के उन्होंने अपनी थ्योरी दी है। तो हम लोगों ने चार तरीके से हमको बात करनी है, एक B.F. स्किनर के व्यू पॉइंट से, जियां पियाजे के व्यू पॉइंट से, लेव वाइगोत्स्की के व्यू पॉइंट से और नोम चोम्स्की के व्यू पॉइंट से। सॉरी, तो अच्छा, सेवरल एरियाज ऑफ द ब्रेन, इससे ये इसका कोई खास मतलब नहीं है। यहां से शुरू करते हैं, कौन से टर्म्स हैं जो हमारे इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे हमने एकोमोडेशन, एसिमिलेशन और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा। शेपिंग इस एकोमोडेशन एसिमिलेशन पियाजे का दिया हुआ टर्मिनोलॉजी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये वाइगोत्स्की की टर्मिनोलॉजी से आया है, और शेपिंग जो है वो B.F. स्किनर का है। तो एकोमोडेशन क्या कह रहे हैं कि द एक्ट ऑफ फिटिंग और अडेप्टिंग और द स्टेट ऑफ बीइंग फिक्स्ड और अडेप्टेड, अडेप्टेशन एडजस्टमेंट। मतलब वही मैंने बताया ना एकोमोडेशन में, मतलब हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं अपने आप को, थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं अपनी थिंकिंग को, अपने स्ट्रक्चर को, अपने मेंटल स्ट्रक्चर को। अच्छा, जब हम पियाजे को कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पढ़ेंगे तब हम एकोमोडेशन को मेनली वहां पर डिस्कस करेंगे आपके संग, है ना। और एसिमिलेशन क्या कह रहे हैं कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यू आइडियाज इनटू एन एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पे एक आइडिया फिर दूसरा आइडिया, उस पर आइडिया अपना कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता जा रहा है, यानी कि हमको यहाँ अडेप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, कहाँ पे, एसिमिलेशन में। जबकि एकोमोडेशन में हम पुराने मेंटल स्ट्रक्चर को नए मेंटल स्ट्रक्चर के संग एडजस्टमेंट भी हमको करना होता है। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में क्या बात है कि ए कंसेप्ट developed by Soviet psychologist and social constructivist Lev Vygotsky that describes the difference between what a learner can do without help and what he or she can do with help। मतलब ये जो जोन है वो किस अंतर को दर्शाता है कि यदि एक छात्र अकेले बिना किसी की सहायता के सीखता है और यदि वो किसी की सहायता के साथ सीखता है, तो यानी कि दोनों में गति में अंतर आएगा ना। अब बिना सहायता के उसको टाइम लगेगा सीखने में, वो गलती करेगा बार बार, उसको कोई दिशा दिखाने वाला नहीं रहेगा। लेकिन ये सारी चीजें किसी के साथ नहीं होंगी, तो एक तरीके से जो धीरे सीख रहा है और एक में तेज सीख रहा है या बेहतर सीख रहा है, इन दोनों का जो अंतर है वही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है एक तरीके से कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि हम मोर नॉलेजेबल इंडिविजुअल की प्रेजेंस में बेहतर और जल्दी सीख जाते हैं। और शेपिंग यानी B.F. स्किनर के कंसेप्ट में शेपिंग क्या कह रहे हैं, मेथड ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी कि हम धनात्मक पुनर्बलन दे रहे हैं किसको, बिहेवियर पैटर्न्स इन ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि वो पैटर्न जो बढ़िया है, जिसको हम चाहते हैं कि वो रिपीटिटिव हो जाए, वो बच्चा सीख जाए, उसके लिए हम उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे। तो
यही चीज क्या है, शेपिंग, मतलब वो कह रहे हैं हम शेप दे सकते हैं वो बिहेवियर जो हम चाहते हैं, जो डिजायरेबल है, जो हम स्टूडेंट में चाहते हैं, वो जैसे ही वो बिहेवियर करेगा, शो करेगा, हम उसको पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट दे देंगे, यानी कि वो चीज सीख जाएगा। और उसी तरह से नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट देके वो बिहेवियर हम हटा भी सकते हैं जो हम छात्र में से हटाना चाहते हैं। तो ये एकदम शेप, एकदम आकार देना, जैसे कुम्हार घड़े को आकार देता है, उस तरीके की बात बी.एफ. स्किनर करते हैं। तो थेरीज की बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की, क्या कि ह्यूमंस स्पेशली चिल्ड्रेन हैव एन अमेजिंग एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज। आप देखते हैं ना जो विदेशी बच्चे होते हैं वो कितनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनके मुंह से इंग्लिश सुनना भी, और लगता है कि हम तो इतने बड़े हो गए लेकिन हम अभी तक उस तरह से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, या कोई भी दूसरी भाषा, फ्रेंच, इवन कन्नड़, तमिल, तेलुगु, जो भाषाएं हम लोग नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसी वातावरण में रहता है और उसने वो सीख लिया है। तो अब देखें कैसे सीखता है, यही हमको जानना है। वो कह रहे हैं कि बच्चों में बहुत अमेजिंग एबिलिटी होती है भाषा सीखने की। कैसे? विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ चिल्ड्रन विल हैव लर्न्ड मेनी ऑफ द नेसेसरी कॉन्सेप्ट्स टू हैव फंक्शनल नॉलेज, सॉरी फंक्शनल लैंग्वेज, ऑल्दो इट विल स्टिल टेक years for their capabilities to develop fully। यानी कि जीवन के पहले वर्ष में ही वो उसका फंक्शनल लैंग्वेज का कुछ नेसेसरी कंसेप्ट सीख जाता है, जबकि पूरी तरीके से विकसित होने के लिए उसको काफी समय लगता है। फिर सम पीपल लर्न टू और मोर लैंग्वेजेस फ्लुएंटली ओवर देयर लाइफ्स, है ना, कुछ लोग दो या दो से अधिक भाषाओं को बहुत अच्छा फ्लुएंटली बोल लेते हैं। दीज पीपल आर बाईलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल, जैसे आजकल ज्यादातर हम में से लोग बाईलिंगुअल है, यानी कि अच्छी हिंदी और मतलब भर की इंग्लिश बोल लेते हैं, या कुछ लोग अच्छी इंग्लिश और मतलब भर की हिंदी बोल लेते हैं, या कुछ अच्छे पढ़े लिखे लोग अच्छी इंग्लिश और अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। मल्टीपल थेरीज हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड रिलेटेड ब्रेन स्ट्रक्चर्स। बहुत सारी ऐसे सिद्धांत, बहुत सारी ऐसी थेरीज आई हैं जिन्होंने भाषा के विकास के लिए अपने आप को प्रपोज किया है कि ऐसे ऐसे होता है भाषा का विकास। तो उसमें सबसे पहले स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर क्या कह रहे हैं कि ही बिलीव दैट चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है ये हम लोगों ने जान लिया। इन अदर वर्ड्स चिल्ड्रन रिसीव रिवॉर्ड्स फॉर यूजिंग लैंग्वेज इन ए फंक्शनल मैनर, ये भी पहले पढ़ा। फिर कैसे? फॉर एग्जाम्पल ए चाइल्ड लर्न्स टू से द वर्ड ड्रिंक व्हेन शी इज थर्स्टी, है ना, यानी कि जब वो उसको प्यास लगती है बच्चे को तो वो पानी, मम, इस तरह से बोलता है बच्चा। शी रिसीव समथिंग टू ड्रिंक, तो हम लोग समझ आते हैं कि उसको कुछ पीने के लिए देते हैं, विच री इन्फोर्सेज हर यूज ऑफ द वर्ड फॉर गेटिंग ए ड्रिंक। देखिए उसको प्यास लगी थी, उसने जिस भी शब्द का उच्चारण किया, मम बोला, पानी बोला, जो भी बोला, उसको पानी पीने के लिए मिल गया, तो इसका मतलब पानी ही चाहिए था और पानी ही मिल गया, यानी कि उसको रिवॉर्ड मिल गया। तो उसने उसको पुनर्बलन दिया, पुनर्बल दिया कि इस शब्द का इस्तेमाल करने से उसकी जो उसका जो डिमांड है वो पूरी हो रही है, तो वो उस वर्ड को यूज करना सीखता जाएगा, यानी कि स्ट्रेंथन हो जाएगा उसका। दिस फॉलोज द फोर टर्म कंटिंजेंसी दैट स्किनर बिलीव्ड वाज द बेसिस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा के विकास के लिए जो चार टर्मिनोलॉजी स्किनर साहब ने दी है, कौन कौन सी? मोटिवेटिंग ऑपरेशंस पहली, डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलाई दूसरी, रेस्पॉन्स तीसरी, एंड री इन्फोर्सिंग स्टिमुलाई चौथी। यानी मोटिवेटिंग ऑपरेशंस, यानी कि उसको प्यास लगी तब उसने मम बोला या पानी बोला या जल बोला या जो भी बोला उसने। डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलाई, यानी कि पानी के लिए दूसरे शब्द का उच्चारण होगा, भूख के लिए दूसरे का होगा, माँ चाहिए होगी तो तीसरे का होगा, यानी कि सब में डिस्क्रिमिनेशन है। फिर रेस्पॉन्स उसको उसी तरह से मिलेगा, अगर वो मम बोलता है और उसको आप पानी दे देते हैं तो ये किस तरीके का होगा? री इन्फोर्सिंग स्टिमुलाई, मतलब कि हमने उसको री इन्फोर्स कर दिया और वो सीख जाएगा कि उसको पानी या प्यास लगी हो तो उसको क्या बोलना है। स्किनर ऑल्सो सजेस्टेड दैट चिल्ड्रेन लर्न लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन ऑफ अदर्स, प्रॉम्प्टिंग एंड शेपिंग, ये भी वो सजेस्ट करते हैं कि हम दूसरे को, मतलब हम, मतलब बच्चा, छात्र दूसरे को की भाषा सुनकर उसको इमिटेट करके भी सीखता है। ये भी एक तरीके से शेपिंग है। फिर चोम्स्की, जो कि मेनली हमको लैंग्वेज डेवलपमेंट में जानना है, जिनको इन्होंने क्या बताया भाषा के विकास के लिए, इनके जो मेन थीम है वो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD। ये कहते हैं कि नोम चोम्स्की वर्क डिस्कसेस द बायोलॉजिकल बेसिस फॉर लैंग्वेज एंड क्लेम्स
दैट चिल्ड्रेन हैव इननेट एबिलिटीज टू लर्न लैंग्वेज, यानी कि इन्होंने बायोलॉजिकल उसकी बेसिस को लिया, यानी आधार जो है वो हमारी जैविक क्रिया को, हमारे बायोलॉजी मतलब जो शरीर के अंदर फंक्शनिंग है उसको लिया है, और वो ये मान के चलते हैं कि बच्चों में अंतर्निहित योग्यताएं होती हैं भाषा सीखने के लिए। चोम्स्की टर्म्स दिस इननेट एबिलिटी द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसको चोम्स्की ने LAD या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का नाम दिया, मतलब कि हमारे अंदर वो डिवाइस है जो लैंग्वेज का एक्विजिशन कर सकती है। ही बिलीव्स चिल्ड्रेन इंस्टिंक्टिवली लर्न लैंग्वेज विदाउट एनी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, वो इस बारे में विश्वास करते हैं कि जो बच्चे हैं वो इंस्टिंक्टिवली भाषा सीख जाते हैं विदाउट एनी फॉर्मल, मतलब उसके लिए उनको कोई फॉर्मल इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ता है कि ये ऐसे 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 करना है, ऐसे बोलना है, वो इंस्टिंक्टिवली सीख जाते हैं। He also believes children have a natural need to use language. वो उनको इसमें भी विश्वास है या विश्वास था कि जो children हैं उनकी एक natural need है, यानी कि वो एक प्राकृतिक आवश्यकता है किसकी, भाषा को इस्तेमाल करने की। एंड दैट इन द एब्सेंस ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज चिल्ड्रन विल डेवलप अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन टू मीट देयर नीड्स, और जब तक उनको फॉर्मल लैंग्वेज नहीं आती वो एक तरीका सीख लेते हैं कैसे वो कम्युनिकेट करेंगे। ही हैज ऑब्जर्व दैट ऑल चिल्ड्रन मेक द सेम टाइप ऑफ लैंग्वेज एरर्स रिगार्डलेस ऑफ द लैंग्वेज दे आर टॉट। देखिए इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि कोई भी भाषा बच्चा सीख सकता है, उसकी उसमें इननेट एबिलिटी है, क्योंकि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कोई भी दुनिया की हम भाषा सीख रहे हैं हूं, लेकिन हम उसमें सेम टाइप की लैंग्वेज एरर्स करते हैं, मतलब कि वो त्रुटियां भाषा को सीखने में हम करते हैं जो यूनिवर्सल है, हर प्रकार की दुनिया की कोई भी लैंग्वेज सीखें हम उसी टाइप की लैंग्वेज एरर करेंगे, ये उनका ऑब्जर्वेशन है। चोम्स्की ऑल्सो बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ए यूनिवर्सल ग्रामर, इसीलिए वो यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते हैं कि ये जो ग्रामर है वो सार्वत्रिक है, दुनिया की हर भाषा में पाई जाने वाली वो ग्रामर है जिसका कि हम जिसमें त्रुटियां करते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम कोई भी भाषा सीख सकते हैं हम, मतलब कोई भी बच्चा। Which posits that there are certain grammatical rules all human languages share. वो ये भी कहते हैं कि जितनी भी प्रकार की मनुष्य में भाषाएं बोलता है उन सब में कुछ grammatical rules होते हैं। However, his research does not identify areas of the brain or a genetic basis that enables humans innate ability for language. लेकिन उनकी research ने कोई ऐसे brain के areas हमको identify करके नहीं बताए कि हाँ ये जो है वो language के लिए responsible है, या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यहां हो सकती है, या उन्होंने कोई हमको एक ऐसा आनुवंशिक आधार नहीं दिया जो ये बता सके कि हाँ मनुष्यों में भाषा के को बोलने की, भाषा को इस्तेमाल करने की, भाषा के विकास की कोई अंतर्निहित योग्यता होती है। लेकिन फिर भी हम नोम चोम्स्की को लैंग्वेज डेवलपमेंट में पढ़ते हैं, उन्होंने बताया और इतना हमको कई टर्म्स दिए, यूनिवर्सल ग्रामर, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और ये माना जो एक लाइन में अगर हम नोम चोम्स्की को बताना चाहें तो वो ये है कि वो मानते हैं कि भाषा का विकास करने की अंतर्निहित योग्यता प्रत्येक मानव चाइल्ड मानव बालक में होती है। ठीक, अच्छा पियाजे ने क्या कहा है, पियाजे साहब ने एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की बात की, ये बोल रहे हैं कि his theory of language development suggests that children use both assimilation and accommodation, यानी कि हम पुरानी चीज जो हमारे पुराना ज्ञान है, पुराना कोई mental structure किसी concept को लेकर है, उसके संग assimilate भी करते हैं नया ज्ञान, यानी कि उसमें आता जाता है, setting बैठती जाती है, या accommodate करना पड़ता है कभी कभी, अगर कोई conflict हो रहा है, कोई चीज कहीं mismatch हो रही है तो हम उसकी matching भी करते चलते हैं। Assimilation is the process of changing one's environment to place information into an already existing schema या idea, यानी कि assimilation उस प्रक्रिया को कहा जा रहा है जहां पे already existing schema में हमने बस क्या किया, जो न्यू स्कीमा था उसको फिट इन कर दिया। लेकिन एकोमोडेशन क्या कह रहा है, इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन स्कीमा, यानी कि यहां स्कीमा को ही बदलना पड़ेगा, जो स्ट्रक्चरल दिमाग में है उसको ही बदलना पड़ेगा टू अडेप्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट, जो वातावरण में चेंज हो गया है उसके संग अनुकूलन करने के लिए। जबकि एसिमिलेशन में चेंजिंग वंस एनवायरनमेंट, यानी कि हम अपना वातावरण बदलते हैं, हम अपना स्कीमा नहीं बदलते, लेकिन एकोमोडेशन में क्या बदलते हैं, हम अपना स्कीमा बदलते। अच्छा आपने चूंकि पियाजे को भी डिटेल में नहीं पढ़ा तो आप स्कीमा को नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन स्कीमा का मतलब मेंटल स्ट्रक्चर से है, हर कंसेप्ट के लिए हमारे दिमाग में एक मेंटल स्ट्रक्चर है, उसको स्कीमा बोलते हैं।
फिर पियाजे बिलीव चिल्ड्रन नीड टू फर्स्ट डेवलप मेंटली बिफोर लैंग्वेज एक्विजिशन कैन अकर। पियाजे का ये मानना था कि बालक को पहले मेंटली थोड़ा डेवलप होगा तब वो भाषा को सीख पाएगा। अकॉर्डिंग टू हिम चिल्ड्रन फर्स्ट क्रिएट मेंटल स्ट्रक्चर्स विद इन द माइंड, जिसको कि स्कीमा कह रहे हैं, एंड फ्रॉम दीज स्ट्रक्चर्स लैंग्वेज डेवलपमेंट हैप एंड फ्रॉम दीज स्कीमास लैंग्वेज डेवलपमेंट हैपेंस। यानी कि दो तीन खास बातें होंगी पियाजे जी की थ्योरी में भी कि एसिमिलेशन में हम एनवायरमेंट को चेंज कर रहे हैं, एकोमोडेशन में हम स्कीमा को चेंज कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि खास बात क्या है कि बालक का पहले मानसिक विकास होना चाहिए, थोड़ा सा वो मेंटली डेवलप होगा तब भाषा को सीख पाएगा। और है भी ऐसा तो नहीं कि बच्चा पैदा होते ही बोलना शुरू कर देता है, थोड़ा समय लेता है, उतनी देर में वो उतना मेंटल डेवलपमेंट उसका हो जाता है कि पहले उसके दिमाग में मेंटल स्ट्रक्चर्स बनते हैं और फिर उन स्ट्रक्चर्स से भाषा का विकास होता है। और वाइगोट्स्की साहब क्या कह रहे हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, कि वाइगोट्स्की थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट फोकस्ड ऑन सोशल लर्निंग, यानी कि ये सामाजिक अधिगम की बात करते हैं, एंड द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है क्या? इज ए लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑब्टेन्ड व्हेन चिल्ड्रन एंगेज इन सोशल इंटरेक्शंस विद अदर्स। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए चाइल्ड्स पोटेंशियल टू लर्न एंड द एक्चुअल लर्निंग दैट टेक्स प्लेस। देखिए तीसरी तरीके से हमको ZPD के बारे में, ZPD को हमने तीन तरीके से देखा। एक बार ये कह रहे हैं कि हम मोर नॉलेजेबल इंडिविजुअल की प्रेजेंस में बेहतर सीख रहे हैं। एक बार इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये वो अंतर है जो कि हम अकेले सीखते हैं या किसी के साथ सीखते हैं के बीच में आता है, या ये वो दूरी है, डिस्टेंस है। कौन सी दूरी? बिटवीन ए चाइल्ड्स पोटेंशियल टू लर्न, यानी कि जो बालक के अंदर पोटेंशियल है, विभव है सीखने का, या एंड द एक्चुअल लर्निंग दैट टेक्स प्लेस। और जो एक्चुअल, जैसे मान लीजिए कि उसके अंदर पोटेंशियल इतना है और वो सीखता इतना है, पोटेंशियल इतना है लेकिन वो सीख इतना ही रहा है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, उसी को ये वो जोन या वो एरिया कह रहे हैं जो कि उसके प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का है। और वाइगोट्स्की थ्योरी आल्सो डेमोंस्ट्रेटेड दैट पियाजे अंडर एस्टिमेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शंस इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट तो हैं लेकिन उसमें सोसाइटी के इनपुट को बहुत महत्व देते हैं। इसलिए वाइगोट्स्की ने ये कहा कि पियाजे साहब ने अंडर एस्टिमेट किया है, कम मूल्यांकन किया, कम मान के चले हैं किसको, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शंस को, जो सामाजिक हमारे अंतर संबंध है उनकी महत्व को हम कम महत्व दिया है पियाजे ने, किसमें, भाषा के विकास में। ओके, फिर पियाजे एंड वाइगोट्स्की सीरीज आर ऑफन कंपेयर्ड विद ईच अदर एंड बोथ हैव बीन यूज्ड सक्सेसफुली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब पढ़ेंगे तब भी पियाजे और वाइगोट्स्की को आपस में कंपेयर करेंगे, और दोनों ही जो थियरीज हैं वो एजुकेशन में यूज की जाती हैं सक्सेसफुली। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में भाषा का विकास कैसे होता है, उसके लिए बहुत सारे सिद्धांत हैं, कई सिद्धांत जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे BF स्किनर बिहेवियरिस्ट हैं, उन्होंने क्या बोला, शेपिंग। फिर पियाजे साहब जिनको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पढ़ते हैं उन्होंने क्या बोला, सिमुलेशन एंड एकोमोडेशन। फिर वाइगोट्स्की साहब जिनको भी हम पहले से जानते हैं और उन्होंने क्या बोला, चूंकि वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सोशल लर्निंग को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसलिए वो ZPD की बात करते हैं, और वही बात वो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। बस एक एक्सक्लूसिवली न्यू साइकोलॉजिस्ट के बारे में हमने जाना जो कि नोम चोम्स्की हैं, और इन्होंने कहा कि प्रत्येक इंडिविजुअल में, प्रत्येक मानव बालक में, प्रत्येक ह्यूमन चाइल्ड में एक LAD होता है, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जो कि उसकी इननेट एबिलिटी होती है जिसकी सहायता से वो कोई भी भाषा सीख सकता है, उसके लिए वो इननेट एबिलिटी होती है। लेकिन किसी भी प्रकार का उन्होंने ये नहीं बताया कि हाँ ब्रेन में ये एरियाज हैं जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या जहां लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, और कोई जेनेटिक थ्योरी इनकी थ्योरी को सपोर्ट नहीं करती है। फिर भी ये थ्योरी है और पढ़ी पढ़ाई जाती है, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो आई होप कि थोड़ा सा आप समझ गए कि भाषा का विकास बालक में कैसे होता है। चलिए।